नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो अपने कर रहे थे राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा 2021 के मद्देनजर रीजनिंग की महत्वपूर्ण क्लासेस। तो आज की अपनी क्लास संख्या है 6। इससे पहले अपने क्लास 1, 2, 3, 4 और 5 ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जिसने भी देख ली बहुत अच्छी बात है। जिसने अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको उन सब वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप सभी वीडियो देख ले। यदि आपको ये एग्जाम देना है तो इन क्लासों से प्रत्येक क्लास से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो क्लासें अवश्य रूप से देख ले। गणितीय संक्रिया यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, किस प्रकार से अपने को करना है पूरा समझेंगे। लेकिन उससे पहले अपने करेंगे, इससे पहले अपने जो क्लास 5 में की थी डायरेक्शन से संबंधित जो क्वेश्चन किए थे उसके लिए मैंने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिए थे और हर क्लास में आपको दिए गए हैं। तो जो पिछली क्लास थी उसके जो होमवर्क है, जिन्होंने भी इसके आंसर दिए हैं बहुत अच्छी बात है, तो आज अपने इसको हल करेंगे और आप इससे मिलान कर ले कि जो आपने आंसर दिया है वो सही दिया या गलत दिया। अगर गलत दिया तो उसमें सुधार कर ले। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिए थे, दोनों को अपने अभी करके और समझेंगे, फिर अपने आज का टॉपिक शुरू करेंगे। तो फर्स्ट अपने पास क्वेश्चन था, अमर दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, बाद में वह दाईं ओर घूमकर 30 मीटर चलता है, और फिर वह बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है, और पुनः वह बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चलता है, तो प्रारंभिक स्थान से दूरी बताओ कितनी है। तो मैंने आपको बस सिंपल सा मेथड बताया था इस क्वेश्चन को करना है, किस प्रकार से करना है। तो आपको मैंने बताया था कि यदि आप बात कर रहे हो दाईं ओर घूमने की, दाईं ओर मुड़ने की, तो आपको घूमना है घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, जिस दिशा में घड़ी घूमनी है उस दिशा में आप घूम जाओ, दाईं ओर मुड़ जाओगे। और यदि आपको मुड़ना है बाईं ओर तो आप घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाओ, यानी कि जिस दिशा में घड़ी घूमती है आपको उसके डायरेक्शन विपरीत डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ना है। तो इसने बोला है कि अमर दक्षिण की ओर, तो देखिए ये अपने पास इस प्रकार से 4 दिशा होती है, ये आपका दक्षिण होता है, ये उत्तर होता है, ये आपका होता है पूर्व, और ये होता है आपका पश्चिम, ये 4 दिशाएं होती है। अब इसने बोला है कि अमर दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, तो अपने क्या करते हैं, मान लो कोई व्यक्ति अमर वो यहां से चलता है और दक्षिण की ओर कितना चलता है, ये मान लो यहां तक चल गया, यहां से चला नीचे की ओर, क्योंकि दक्षिण की बात कर रहा है, तो 30 मीटर, ये लीजिए 30 मीटर चला दिया इसको। फिर उसने बोला बाद में वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर का मतलब घड़ी की दिशा में अपने को घूमना है। घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी इस प्रकार से घूमती है, तो आपको कैसे घूमना है, आपको भी यहां से ऐसे घूमना है, तो आप गोल तो नहीं घूम सकते, मैंने आपको बताया था आपको घूमना है 90 डिग्री के कोण पे, तो आपको इस प्रकार से मुड़ जाना है। तो आपने 30 मीटर आप दाईं ओर मुड़ गए इधर से ऐसे, और आप कितने चला गया, अब आपको चलाना है 30 मीटर, तो ये मैंने लिख दिया 30 मीटर, और आप कुछ दूर इस प्रकार से यहाँ पे चलिए, मान लो यहाँ तक, छोटा सा चित्र बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर का मतलब घड़ी की अपोजिट साइड में, घड़ी कैसी घूमती है ऐसी घूमती है, लेकिन आपको अब कैसे घूमना है उल्टी दिशा में, तो इसने बोला है फिर वह बाईं ओर घूमता है और 20 मीटर चलता है, तो बाईं ओर घूमोगे मतलब घड़ी की अपोजिट साइड में इस प्रकार से ऐसे, यानी कि आपको ऐसे मुड़ना है, क्योंकि घड़ी तो ऐसे ही घूमती है लेकिन आपको उल्टी दिशा में घूमना है, और यहाँ पे ये कितना चलेगा, ये चलेगा 20 मीटर, ये जो दूरी है नीचे वाली ये कितनी है 20 मीटर, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे। फिर उसने बोला है 20 मीटर चलता है, पुनः वह बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चलता है, अब फिर वो बाईं ओर घूमेगा, अब बाईं ओर घूमेगा मतलब यहां तक पहुंच गया वो, अब उसने बोला है बाईं ओर, बाईं ओर का मतलब क्या हो जाएगा, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में, घड़ी कैसी घूमती है, अगर वो दाईं ओर की बात करता तो आप ऐसे मुड़ जाते, लेकिन अब वो कैसे बात कर रहा है, वो बोल रहा है बाईं ओर, यानी कि इस प्रकार से आपको घूमना है वापस ऐसे इधर मुड़ना है, तो आपने ऐसे मोड़ दिया, यहाँ पे आप मुड़ गए और आप कितना चल गए, इसने बोला है घूमकर 30 मीटर चलता है, तो 30 मीटर चलने के बाद वो कहाँ पे चल गया, ये कितनी है 30, तो इसके बराबर ही चलेगा वो, इतना वो यहाँ पे पहुंच गया और कितना चल गया 30 मीटर। अब उसने पूछा है तो प्रारंभिक स्थान से दूरी वो कहां से चला था, यहां से ये दूरी आपकी 30 मीटर,
और ये जो दूरी है इतनी, ये सेम रहेगी तो ये कितनी हो जाएगी 20 मीटर। तो ये टोटल दूरी कितनी अपने से पूछा है कि वो प्रारंभिक यहां से चला था यहां तक पहुंच गया, तो कितनी दूरी होगी टोटल, टोटल हो जाएगी 50 मीटर। और ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके पिछले जो एग्जाम हुए हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन है, उन्हीं को अपडेट लेके करने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल आते हैं, ज्यादा टफ नहीं है। बस मैंने आपको जो मेथड बताया था कि वो दाएं की बात करें तो आपको घड़ी की दिशा में घूमना है, अगर बाएं की बात करें तो घड़ी की दिशा जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको घूमना है, और बस इसी से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 50 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। व्यक्ति अपने घर से 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, पूर्व कैसे होता है, मान लो यहाँ पे है वो इधर चला, क्योंकि इधर ही पूर्व होता है, इधर पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 5 किलोमीटर चला है, ये लीजिए 5 किलोमीटर मान लो। फिर वह बाएं घूमा, बाएं मतलब घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में घूमना है अपने को। तो घड़ी तो कैसे घूमती है, घड़ी तो ऐसे घूमती है, तो अगर वो बात करता घड़ी की दिशा दाएं की तो अपने ऐसे मोड़ देते हैं, लेकिन अभी अपने को ऐसे नहीं मोड़ना, उसने बोला बाएं, तो घड़ी की विपरीत दिशा में ऐसे, यानी कि ऊपर की ओर, थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं इसको, ये 5 किलोमीटर चला था, बाएं मुड़ गया इधर, और फिर वह घूमकर कितना चला, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर थोड़ा कम कर देते हैं। फिर वह बाएं घूमकर फिर वापस बाएं घूमेगा, अब अगर वो दाएं की बात करता तो घड़ी ऐसी घूमती है तो इधर मोड़ देते, लेकिन उसने बाएं की बात करी है तो इसका मतलब आपको ऐसे मोड़ना है, यानी कि इस तरफ, और कितना मोड़ना है, 5 किलोमीटर, यानी कि जितना ये चलाता है उतने ये चलेगा, इधर मोड़ दिया। फिर उसने बोला वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, यहां से चला था अब वो यहां पे है, तो ये दूरी पूछी है उतनी कि कितनी दूरी है, जितनी दूरी ये हो जाएगी उतनी ये हो जाएगी, क्योंकि ये और ये बराबर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, अच्छे से क्लास को समझा है, तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। कैसे हल करने हैं वो अभी अपने देखेंगे। तो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि यहां पे देखिए प्लस है, प्लस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है जोड़ यानी कि प्लस, और भाग का अर्थ है माइनस। तो समीकरण का उत्तर, ये समीकरण दे रखा है इसका उत्तर बताना, तो क्वेश्चन को पहले पढ़ना है पूरा, फिर आपको समीकरण हल करना है। समीकरण कैसे हल करना है, कहीं यहीं पे जोड़ घटाओ इसका मत कर देना, क्योंकि उसने पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है जोड़, इसका मतलब ये जो साइन उसने दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने को साइन बदलने पड़ेंगे पहले। तो पहले अपने इसके साइन को बदलते हैं, कैसे बदलेंगे, देखिए इसने भाग 20 दे रखा है, 20 के बाद में देखा माइनस दे रखा है, लेकिन उसने यहां पे देखिए क्या बोला, माइनस का अर्थ है जोड़, तो इस माइनस को अपने किस में बदलेंगे, जोड़ में बदलेंगे, बदल दिया। फिर 8, उसने बोला है कि गुणा का अर्थ है भाग, देखिए यहां पे गुणा का अर्थ है भाग, तो यहां पे गुणा को हटाएंगे और यहां पे क्या लिखेंगे, भाग। फिर उसके बाद में कितना है, 4। फिर उसने बोला है कि प्लस का अर्थ है गुणा, तो इस प्लस को हटाएंगे यहां से और यहां पे लगाएंगे गुणा, और अब इसको हल करेंगे। हल कैसे करना है आपको, अब ये मत कर देना कि पहले जोड़ दो इनको, 4 × 2 = 8 और फिर भाग कर दो, गलत हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ही एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है मैथ का, बोडमास का रूल, अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको अभी बता रहा हूं। आपको ये क्वेश्चन डिपेंड ऑन बोडमास, ये पूरा पूरा टॉपिक बोडमास के नियम पर ही डिपेंड करेगा। मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो आपको गलती नहीं करनी है, बोडमास का रूल समझ लो पहले, फिर आपको इसको हल करना है, और आपके कभी भी क्वेश्चन इस पे गलत नहीं होंगे। देखिए बोडमास का रूल क्या कहता है, BODMAS, डिवाइड, डिवाइड का मतलब हो जाएगा भाग, एम से हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा, ए का मतलब होता है एडिशन या एड, एड का मतलब होता है जोड़ करना,
और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाओ। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले यहां पे जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है भाग, भाग के बाद में करना है गुणा, चाहे कितना भी टफ हो चाहे कितना भी इजी हो, कहीं जोड़ घटाओ पहले मत कर देना गलत हो जाएगा। सबसे पहले भाग, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़, जोड़ के बाद में आपको क्या करना है घटाओ करना है। यदि आपने ये रूल लगा दिया तो ही आपका क्वेश्चन सही आएगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब अपने इस पे क्वेश्चन करते हैं, इस पे ज्यादा अपने चर्चा नहीं करेंगे, बस मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपको बता दिया। तो देखिए यहाँ पे अपने पास चार चीजें हैं, जोड़ भाग और गुणा, घटाओ तो है ही नहीं। तो सबसे पहले अपने हल क्या करेंगे, भाग को हल करेंगे, 20 प्लस यहाँ पे 8 है, 8 में 4 का भाग देंगे, 8 में 4 का भाग दिया तो कितना आएगा 2, भाग को हल कर लिया, गुणा में क्या है 2। अब 20 प्लस 2 का 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4, पहले भाग गुणा अब क्या करेंगे जोड़, तो 20 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 24। ये आपका हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न को इस प्रकार से आपको करना है, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आप इसको देखते ही वहीं आपको कुछ भी पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखते डायरेक्ट हल कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको जो क्वेश्चन करना है, इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आता है तो आपको हल कैसे करना है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, दो या क्रम एक क्वेश्चन आपका 100% आने वाला है, तो आपको इस प्रकार से इनको हल करना है। जोड़ को वो लिख रहा है घटाओ, गुणा को लिख रहा है भाग, माइनस को गुणा और भाग को जोड़ लिख रहा है, कैसे भी वो दे सकता है, अपने को उस क्वेश्चन के अनुसार इस समीकरणों को हल करना है, जैसे वो कहेगा अपने को वैसे करना है। तो देखिए यहां पे दो भाग को उसने क्या कहा, भाग को उसने कहा जोड़ 6, गुणा को उसने कहा है भाग फिर 6, देखिए भाग को उसने क्या कहा है, भाग को उसने कहा जोड़ और फिर 2, भाग गुणा जोड़ जो उसने कहा उसके अनुसार अपने वैल्यू पुट कर दी। अब इसको हल करेंगे, हल करने का वही तरीका, पहले भाग करेंगे, 2 प्लस 6 में 6 का भाग दिया कितना आएगा 1, भाग का मतलब उस संख्या को उससे काटना, भाग देना होता है, प्लस में 2, अब क्या बचा, अब तो जोड़ ही बचा है, अब आप जोड़ कर सकते हो, तो 2 को 2 से जोड़ा 4, 4 और 1 5, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा। यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ जोड़ है, यानी कि वही क्वेश्चन दे रखा है और समीकरण आपको ये दे रखा है, उसी पे अपने एक और मेथड क्वेश्चन करके देखते हैं। तो वही आपको पहले वैल्यू पुट करनी है, 3 गुणाकार देखिए क्या दे रखा है, गुणाकार दे रखा है भाग, ये लीजिए भाग, प्लस का अर्थ जो उसने दे रखा है, प्लस का अर्थ देखिए यहां पे क्या दे रखा है गुणा, माइनस का अर्थ उसने क्या दे रखा है, माइनस का अर्थ देखिए यहां पे दे रखा है जोड़, और भाग का अर्थ उसने दे रखा है माइनस, भागकार दे रखा उसने माइनस, गुणाकार उसने दे रखा था भाग, ये लीजिए भाग, प्लस कार उसने दे रखा था गुणा, ये लीजिए गुणा, उसके बाद में देखिए माइनस कार उसने दिया था जोड़, ये लीजिए जोड़, और उसने भागकार दे रखा था माइनस, वैल्यू पुट कर दिया। बोर्ड मास का नियम लगाते हैं, क्या नियम था, सबसे पहले भाग को हल करो, भाग ये रहा, भाग को हल करेंगे तो 3/2, भाग का मतलब यही होता है, मैंने लिख दिया इसमें भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा तो मैंने इसको ऐसे रख दिया। फिर दूसरा नियम कहता है कि गुणा कर दो, तो पहले भाग को मैंने ऐसे लिख लिया, फिर अपने आप और समीकरण बना लिया, अब इसको आगे हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए अब गुणा कर देते हैं, तो 2 × 2 = 4 कट जाएगा, गुणा करेंगे तो 3 × 2 = 6, ये लीजिए 6 + 2 - 9, इसको आगे हल करेंगे, 6 और 2 कितने होते हैं 8, 8 - 1 = 9, तो बड़ी संख्या किसकी है, जो हमेशा बड़ा होता है वही बचेगा, उसका ही प्रभाव रहता है, तो यहाँ पे 8 प्लस का है, माइनस किसका है 9 का, तो जो बड़ा होता है उसका प्रभाव हमेशा रहता है, तो बचेगा कौन, माइनस का कितना 1, उत्तर आपका क्या देगा माइनस का 1। सेम क्वेश्चन, संख्या व समीकरण को चेंज किया, वैल्यू पुट करते हैं, हल करते हैं, ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो सके, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ सके। तो 4 + 3, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है गुणा,
तो 4 गुणा 3 भाग का अर्थ क्या दे रखा है माइनस 12, गुणा का अर्थ क्या दे रखा है भाग, और माइनस का अर्थ क्या दे रखा है माइनस का अर्थ दे रखा है जोड़। बस बोर्ड मास्टर का रूल लगाते हैं, सबसे पहले भाग वाले करेंगे, तो 4 गुणा 3 गुणा मत कर देना पहले गलत हो जाएगा, पहले भाग को करेंगे जैसा का जैसा है उसको वैसे रखेंगे, यहाँ पे 12 यहाँ पे 2 भाग दिया तो 12 में 2 का भाग दिया कितना आएगा 6, भाग का मतलब यही होता है जो आप समझते हो, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, अपने एग्जाम लेवल के हिसाब से करेंगे तो अपने डायरेक्ट यहां से कर रहे हैं, 12 में 2 का भाग दिया 6 प्लस 10, अब क्या करेंगे जोड़ घटाओ गुणा, तो गुणा करेंगे पहले 4 × 3, 4 × 3 कितना होता है 12 माइनस 6 प्लस 10, ये 12 प्लस का है, ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 10 है, 12 प्लस का 10 प्लस का जोड़ेंगे 12 और 10 कितना हो जाएगा 22 माइनस 6, 22 में से 6 गया कितना बचेगा, 22 में से अगर आप 6 माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना बचेगा 16, और वो भी किसका प्लस का, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। दिक्कत लगती है किसी प्रकार की समझने में आपको दिक्कत है तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन में भी करके आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपने पास दे रखा है, थोड़ा सा इससे लेवल ज्यादा है इसका, तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, 6 स्टार लगा रखा है, फिर 4 स्टार लगा रखा है, 20 लगा रखा है, स्टार लगा रखा है, 4 लगा रखा है। अब अपने से उसने पूछा है कि यहाँ पे इसमें से कौन सी संकीर्या लगाए किसका जो सही आंसर आ जाए, सही आंसर कैसे आ जाए, देखिए अगर अपने ये चीज लगाते हैं तो प्लस बराबर गुणा, यानी कि इन दोनों का जोड़ करें और इन दोनों का गुणा करें तो दोनों बराबर आना चाहिए, अगर मान लो ये लगाएं तो इधर इन दोनों का भाग करें और इन दोनों का घटाव करें तो दोनों बराबर आने चाहिए, यानी कि इनमें से कौन सी अपनी संकीर्या लगाए कि जो चीज ये जो इक्वेशन कह रही है ना ये रूल के इनके अकॉर्डिंग इसका आंसर सही आना चाहिए। तो कैसे, तो इस चैप्टर में आपको मैं एक ही राय दूंगा, या किसी प्रकार का ऑप्शन वाला क्वेश्चन करोगे ना तो आपको स्टार्ट कहां से करना है, ऑप्शन डी से करना है, अगर आपको डायरेक्ट आंसर पता चल रहा है तो आपको जांच से ठीक लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे कर दो बी से, ठीक है ना। लेकिन मुख्यतः इस प्रकार की क्वेश्चन, ये तो सिंपल क्वेश्चन, अगर टफ क्वेश्चन आता है तो आप शुरुआत उसकी डी ऑप्शन से करो, तो अपने ये तो सिंपल क्वेश्चन है तो इसको अपने डायरेक्ट देख के पता चल रहा है कि क्या कुछ हो सकता है। तो देखिए अगर अपने इन दोनों का क्या करते हैं गुणा करते हैं, 6 × 24, और इन दोनों का क्या करते हैं जोड़ करते हैं, तो क्या 6 × 24 और 20 और 4 = 24 बराबर हो रहे हैं, कौन सा ऑप्शन है प्लस जोड़ गुणा, ये तो नहीं होगा, ये भाग है, क्या इन दोनों का भाग कर सकते हैं, भाग करने के बाद घटाओ करके बराबर नहीं आ सकता क्योंकि भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, ऑप्शन बी तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर बात करें ऑप्शन डी की, तो क्या 6 और 4 को जोड़ दें, 6 और 4 जोड़ें तो 10, 20 में से 4 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 16, 10 और 16 तो बराबर होते ही नहीं है, बचा क्या गुणा बराबर जोड़, तो गुणा बराबर जोड़ आंसर क्या जाएगा, ये आ जाएगा, देख सकते हो आप 6 का 4 से गुणा कर दो बराबर होगा 20 प्लस 4, 6 × 24 बराबर 20 प्लस 4 = 24, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, तो ये अपनी को टिक करना है। तो ये थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन, लेकिन आपके एग्जाम में सिंपल ही क्वेश्चन आएंगे, इसी प्रकार के क्वेश्चन कोई भी आता है, ज्यादातर ये चांस है, लेकिन ये अगर आता है तो इस प्रकार का सिंपल। आगे एक फिर क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे भी सेम मेथड लगाना है अपने को इस प्रकार की, तो देखिए ये दे रखा है 30 और 5, फिर 3 और 3, यहाँ पे अपने क्या कौन सी इनमें से कौन सा साइन का यूज करें कि यहाँ पे इनमें संकीर्या बराबर आनी चाहिए, जैसे कि मान लो मैंने ये लगाया जोड़ भाग माइनस, क्या मैं इनका जोड़ कर दूं और यहाँ पे बराबर लगा दूं और यहाँ पे माइनस लगा दूं तो बराबर आ जाएगा, 30 और 5 = 35, 3 में से 3 क्या 0, क्या 35 0 बराबर होते हैं, नहीं होते, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं लगेगा। फिर बात करें इसकी, बात करते हैं माइनस माइनस बराबर, यहाँ पे भी माइनस कर दो, यहाँ पे भी माइनस कर दो, यहाँ पे बराबर कर दो,
तो क्या इससे आंसर आ जाएगा? 30 में से 5 जाएगा, 25, 25 में फिर 3 गया तो 22। क्या 22 3 के बराबर होता है? नहीं होता, ये भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो कौन सा लगाए? फर्स्ट देखते हैं जोड़ बराबर गुणा, जोड़ लगा दो, बराबर लगा दो, गुणा लगा दो। क्या 30 और 5 35, क्या 3 इंटू 3 9, क्या 35 और 9 बराबर होते हैं? नहीं होते हैं। तो बराबर ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं लगेगा, तो ये भी कैंसिल। बचा कौन सा? भाग माइनस बराबर, इसको लगाते हैं। इन दोनों का किया भाग, यहां पे लगाया माइनस और यहां पे लगाया बराबर। तो देखिए 30 में 5 का भाग दिया कितना आएगा? 6। 6 में से 3 गया, क्या बराबर में 3 बचेगा? तो 6 में से 3 गया 3, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपको क्लास वीडियो के एंड में होमवर्क मिल जाएगा, तो उसको आप हल करें, आंसर अवश्य रूप से दें। और जो भी होमवर्क दिया जाएगा उसका आंसर आपको सॉल्यूशन पूरा का पूरा अगली क्लास में मिल जाएगा। आपके एडमिट कार्ड जल्द ही जारी होने वाले हैं, तो इससे संबंधित जो भी सूचना होगी हम आपको चैनल के माध्यम से समय समय पर देते रहेंगे। तो मिलेंगे नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नई क्लास में, तब तक।